अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले और हम जानने वाले कि जो लोग महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं वो अपने राज्य जाने के लिए अप्लीकेशन कैसे करेंगे, पंजीकरण कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। जो लोग मुंबई में या फिर मुंबई के अलावा दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है, तो अगर आप प्राइवेट गाड़ी से जाना चाहते हैं अपने राज्य को तो ही ये तरीके पे अमल करें और ये तरीके से आप अपने राज्य को जाए। क्योंकि दोस्तों, जो सरकारी तरीके से आप जाना चाहते हैं तो आपको आपके लोकल में वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना है, पुलिस स्टेशन में देना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको उस नंबर पर, आप जो भी फॉर्म में नंबर डालेंगे उस नंबर पर आपको कॉल आएगा, फिर उसके बाद आप है तो जा सकते हैं। और जो ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके पे आप अगर आपका ग्रुप है 4 या 5 या 10 कुछ मज़दूरों का, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको एक पास मिल जाएगा, उस पर आपकी सारी जानकारी रहेंगी, किस तरह से आपको है तो आपकी गाड़ी का नंबर हो सब कुछ उसके अंदर जानकारी आपको देना है। उसके बाद आपको पास मिल जाएगा और पास के थ्रू आप है तो अपने राज्य को जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप उसी रास्ते से वापस आना चाहते हैं तो उसका भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पूरी खबर और पूरा तरीका क्या है। ये न्यूज़ आपको एनडीटीवी इंडिया की हिंदी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो हमारा जो ब्लॉग है, ऑफिशियल ब्लॉग है, Daily9 का ऑफिशियल ब्लॉग है, उस पर भी आपको मिल जाएगी। आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है www.daily9hindi.blogspot.com, इस पर भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में उसकी जानकारी दे देता हूँ, किस तरह से आपको इसको फिलअप करना है और कैसे आप यहाँ से, मतलब फंसे हुए मजदूर किस तरह से यहाँ से जाएंगे अपने राज्य को। अगर आप प्राइवेट तरीके से जाना चाहते हैं, यानी कि खुद के पैसा खर्चा करके जानना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। चलिए मैं आपको ये तो एक फर्जी पंजीकरण करके दिखा देता हूँ किस तरह से आपको पंजीकरण करना है। तो मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये तो प्राइवेट गाड़ी करके अपने राज्य जाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक लिंक पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको अप्लीकेशन करने का तरीका दिख जाएगा। नहीं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो आपको गूगल क्रोम पे टाइप करना है www.daily9hindi.blogspot.com। ये हमारा ब्लॉग का लिंक है, उसको आपको क्लिक करना है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ब्लॉग आ जाएगा हमारा। तो आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में फंसे बिहार जाने के लिए ऐसे कराए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको है तो इन ये मैटर को पूरा पढ़ लेना है, किस तरह की जानकारी है। उसके बाद आप जो भी राज्य में फंसे, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, तो इन लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो हम महाराष्ट्र में हैं इसलिए हम महाराष्ट्र की लिंक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये थोड़ी देर ब्राउज होगा और आपको ये पढ़ लेना है पूरी तरह से। इसमें आपको आपका आधार कार्ड, उसके साथ साथ है तो डॉक्टरी का सर्टिफिकेट जिसमें आपको कोरोना के ताल्लुक से फिटनेस लेना है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्लाई पे फॉर्म फिलअप कर देना है, उसके बाद डाउनलोड पास पे क्लिक करना है। तो पहले हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर पूछेगा अगर आपको महाराष्ट्र के बाहर जाना है या नहीं, उस बारे में। तो हमें महाराष्ट्र के बाहर जाना है इसलिए हम हो पे, यानी कि यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको तो प्रवासी की संख्या निवड़ना है, जो भी प्रवासी आपके साथ है, यानी कि मजदूर आपके साथ है, तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। 5 से कम है तो इस पर क्लिक करें, 5 से ज़्यादा है तो इस पर क्लिक करें। तो हम 5 से ज़्यादा पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद ये आपको एक वेबसाइट पर लेके चले जाएगा। यहाँ पर आपको
स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप तो आपका जो भी ज़िले में आप फंसे हुए हैं उसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के लिए आप इस फर्ज करो आप अहमदनगर में, तो वहाँ पर अहमदनगर पर सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर मुंबई या कोई दूसरे इलाके में, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जाके फिलअप करना है। लेकिन हम अहमदनगर अभी फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको आपका जो ग्रुप है उसका एक लीडर तय कर लेना है, जो भी लीडर होगा, यानी कि एक होशियार आदमी को आपको लीडर बना देना है। उसके नाम पे आपको पास निकालना है। फर्ज करो यहाँ पे मैं मेरा नाम डाल देता, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद जो तारीख पे आप तो आपका सफ़र तय करना चाहते हैं वो तारीख यहाँ डाल दीजिए, तो हम डाल देंगे 5 तारीख। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर आपको रखना है। और आपको बता दूँ ये नंबर आपको चालू वाला देना है, तो मैं यहाँ पर मेरा एक नंबर डाल देता हूँ, 34 99 35 36 सॉरी 35 32 36। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी गाड़ी का टाइप चुनना है, कौन सी गाड़ी से आपको जाना है, तो हम प्राइवेट बस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी गाड़ी का नंबर डालना है, जो कि ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपने गाड़ी का नंबर डाल देना है, MH 21 MH 22 AH 35 56 67 ये नंबर हमने डाल दिया, फर्जी है। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, जहाँ पर भी है। तो आप फर्ज करो आप अहमदनगर में हैं, तो हम यहाँ पर अहमदनगर डाल देंगे। उसके बाद आधार कार्ड डालना है, जो भी लीडर आपको बनाए, आपने जो भी लीडर बनाए हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं, ये हमने उसका बंदे का आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा अहमदनगर रहेगा, और क्लोजिंग पॉइंट यानी कि जहाँ तक आपको जाना है वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो फटाफट मैं डाल देता हूँ यहाँ पर बिहार, बिहार का गया में हमें जाना है। इसके बाद प्रवासी की संख्या डालना है, अगर आपके 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे डालेंगे, 8 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक यहाँ पे डाल देना है, यानी कि ड्राइवर का पहले नाम डालना है, उसकी एज डालना है, आधार नंबर डालना है, जेंडर डालना है, मेल फीमेल जो भी है वो, और उसका आधार नंबर या नाम। फर्ज करो नाम हमने डाल दिए गोपाल, ये हमने ड्राइवर का नाम डाल दिए। एज डाल दो यहाँ पे उसकी कितनी है, 35 साल। आधार नंबर जो भी डालना है डाल दीजिए। उसके बाद जितने 8 मेंबर है सबों का आपको यहाँ पे डाटा डाल देना है, और जो ग्रुप लीडर है ग्रुप लीडर का आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो 200 KB के अंदर होना, तो हम यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी फर्जी, ये वाला फ़ोटो हमने सिलेक्ट किया, डन कर दिया। तरह से ये फ़ोटो यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद आपके जितने भी मेंबर है सबका मोबाइल नंबर की लिस्ट यहाँ पे आपको डालना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फाइल पे जाएंगे, जहाँ पर भी आपने फ़ोटो रखा है या मोबाइल नंबर की लिस्ट रखा हो। फर्ज करो अपनी मोबाइल नंबर लिस्ट ये है, मैं इसको ओपन कर लेता। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, और ये 1 MB से कम का होना चाहिए। शायद ये मेरी फ़ाइल यहाँ पर बड़ी है, तो इसको हम यहाँ से और कम कर देंगे। ये वाला ले लेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। हाँ अच्छा, आपको तो यहाँ पर सभी के यहाँ डाटा डालना है, सबके नामा अब भरना है, उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है, ठीक है। जैसे आप इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद 1 या 2 दिन या 1 या 2 घंटे में आपको आपका डाटा यानी कि आपका बनकर मिल जाएगा। उसके लिए आपको तो दोबारा से बैक आ जाना है। अब आपको आपका पास डाउनलोड करना है, ठीक है। पास डाउनलोड करने के लिए आप बैक आ जाएंगे, यहाँ से आपको प्रोसेस है डाउनलोड करने का, जो आपको उधर की साइट में टोकन नंबर मिलेगा वो टोकन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो चेक स्टेटस डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। आपने जब अप्लीकेशन किया वहाँ पे आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर आपको याद रखना है, वो टोकन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगर आपका पास बन गया तो यहाँ पर आपका पास आ जाएगा, और आप उसको डाउनलोड करके आपके
राज्य तक जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मेरा पास दिखा देता हूँ, जो भी है तो आप उसको देख सकते हैं किस तरह से आपका पास हो सकता है। दोस्तों इस तरह से आप है तो ऑनलाइन आवेदन करके पुलिस का पास लेकर अपने राज्य पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप है तो पंजीकरण करके अपने शहर अपने राज्य जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और ख़ास तौर से जो दूसरे राज्यों के मज़दूर फंसे हुए उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। और दोस्तों आपको आपके मन में कुछ इस वीडियो के ताल्लुक से कुछ सवाल हो, आपको पंजीकरण करना नहीं आता हो, तो आप हमें ब्लॉग पे भी बता सकते हैं, उसी के साथ साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स है इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज की, उस पर भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। फ़िलहाल खबर में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली खबर में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।